हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केरेकोस। गाइस, आज हम बात करेंगे उस वैकेंसीज के बारे में जो बहुत अच्छी वैकेंसीज है, यानी कि आप यहां पे अगर 12th पास हो तो भी आप उस वैकेंसीज का फॉर्म फिल कर सकते हो। गाइस, जो कंपनी है वो ऑयल इंडिया कंपनी है। गाइस, ये इंडियन ऑयल कंपनी नहीं है, ये ऑयल इंडिया कंपनी है। ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, इंडिया की बहुत लार्जेस्ट कंपनी है। इसकी ब्रांचेज दुबई, यूएई, तुर्की में भी है। ये बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो आपका एक बहुत अच्छा बैकअप भी मिलेगा और आपको पैकेज भी अच्छा मिलेगा। ये जो वैकेंसीज है ये ग्रेड 3 की वैकेंसीज है, जिसमें जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 26,600 से लेके आपकी जो एंडिंग सैलरी रहेगी वो 90,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। एज पर एक्सपीरियंस आपकी सैलरी गेन होती रहेगी। और इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो लास्ट डेट आपकी 15 अगस्त 2021 की लास्ट डेट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट है। जो भी कैंडिडेट फॉर्म में अप्लाई करना चाहता है वो फॉर्म अप्लाई कर दे, ठीक है। जो इसकी वैकेंसीज है वो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज है, यानी जो क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट तो रहेगा तो वहां पे वो क्लर्क भी रहेगा, उसके पास कंप्यूटर ऑपरेटर की भी आपको यहाँ पे वर्क करवाएंगे, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। अगर आप ओबीसी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी एप्लीकेशन फीस इसमें 200 रुपए रहेगी। अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस आपकी कुछ नहीं देनी होगी, आपको फ्री में ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते। गाइज, अगर आप एसटी एससी कैंडिडेट हो तो आपको वहां पे सर्टिफिकेट दिखाना होगा, जो आपका जो ट्रेवलिंग फेयर रहेगा यानी रेल टिकट, बस का टिकट, आपको जो सेकंड क्लास का रहेगा वो आपको कंपनी फ्री में ही प्रोवाइड करेगी, ठीक है गाइज। और जनरल ओबीसी के लिए ऐसे कोई कंडीशन नहीं है, वो अपने ही फेयर से यहाँ पे इंटरव्यू देने जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। इसमें आपका क्वालिफिकेशन 10+2+ 40% मार्क्स इसमें 10+2 में होने चाहिए। गाइज, अगर आप आर्ट स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, साइंस से बिलोंग करते हो, कॉमर्स से बिलोंग करते हो, आपके 40% यहाँ पे नंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। इसमें जो है अगर आपके पास ये भी है, डिप्लोमा है और सर्टिफिकेट है कंप्यूटर में, मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन का सर्टिफिकेट है, आपने कोई कोर्स छोटा मोटा किया है 6 मंथ का कंप्यूटर में, आपका जो कोर्स होना चाहिए वो एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका वर्ड्स में होना चाहिए, पावर पॉइंट में और एक्सेल में आपका जो कोर्स होना चाहिए, मिनिमम ड्यूरेशन 6 मंथ की है कोर्स की, ठीक है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब हम वैकेंसीज की बात करेंगे कि इसमें अप्लाई करने के लिए कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, ठीक है। जो वैकेंसीज है वो टोटल 120 वैकेंसीज है, यानी अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए यहाँ पे 8 वैकेंसीज है। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए यहाँ पे 4 वैकेंसीज है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए यहाँ पे 32 वैकेंसीज है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी यहाँ पे 12 वैकेंसीज है। और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपकी 54 वैकेंसीज है। गाइस, इसमें एक पॉइंट है, अगर आप एक्स सर्विस मैन है और आप जो है हैंडीकैप्ड है यानी अपाइज है तो यहाँ पे आपकी जो वैकेंसीज है 5 वैकेंसीज यहाँ पे है, ठीक। इनसे अलग 5 वैकेंसीज है। वैकेंसीज आपकी एज पर रिक्वायरमेंट वैरी होती रहेगी, वैकेंसी यहाँ पे बढ़ भी सकती है, वैकेंसी यहाँ पे घट भी सकती है एज पर ओएल इंडिया लिमिटेड कंपनी। अब हम एज लिमिट की बात करते हैं, इस वैकेंसीज को फॉर्म भरने के लिए आपकी एज लिमिट क्या क्या होनी चाहिए। गाइज, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी एज 18 से 30 साल यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी एज यहाँ पे 18 से 35 साल होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी एज यहाँ पे 18 से 35 साल ओबीसी कैटेगरी के लिए होनी चाहिए। सबसे कम जो एज है वो 18 से 30 जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स की है, ठीक है। अब इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। गाइस, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे कि अगर आप इस एग्जाम में अपेयर होते हो, आपका सीबीटी एग्जाम होगा, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उस एग्जाम में आपको 50% नंबर लाने, 50% किन स्टूडेंट को नंबर लाने, ठीक है गाइस। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, आपको वहां पे उस एग्जाम में 50 नंबर लाने तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आप एसटीएससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 100 में से 40 नंबर लाने हैं, बट जितने आपके नंबर अच्छे रहेंगे उतनी आपकी मेरिट अच्छी बनेगी, आपके लिए बेस्ट रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या बोलते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर में आपके 3 टाइप्स क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए की बात करते हैं, पार्ट ए में आपका जर्नल होगा, जीके होगी, जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल नॉलेज होगी। जो आपका ये वाला सिलेबस रहेगा वो 100 में से 20% वाला सिलेबस रहेगा, इंग्लिश का, जनरल नॉलेज का और जनरल अवेयरनेस का। पार्ट बी की बात करते हैं, पार्ट बी आपका रीजनिंग रहेगा, आर्थमेटिक्स, मैथ रहेंगे, न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटीज के आपके क्वेश्चन रहेंगे, ये भी आपका 20% यहाँ पे 100 में से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन होंगे वो 60% क्वेश्चन होंगे, उनका सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, यानी कि आपका डोमेन टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे रहेगी, टेक्निकल नॉलेज डोमेन की यहाँ पे 60% आपके क्वेश्चन आएंगे, 100 में से 60 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, ठीक है गाइस।
और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है, ये आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा, आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आपको जनरल अवेयरनेस और जीके पढ़नी है तो आप जो है 1 साल का डाटा, लास्ट के 1 साल का डाटा कलेक्ट कर ले, और आपके जो नजदीक भाई बहन या फिर कोई दोस्त आपका जो नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, यानी कि आपकी पुलिस फौज की तैयारी कर रहा है, तो वहां से आप जो है उससे भी क्वेश्चन अरेंज कर ले तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। गाइज ये था आपका वैकेंसीज के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू गाइज।